हेलो, मैं आपके लिए आज एक ऐसा फ्लैट लेके आया हूँ जो कि काफ़ी लग्जीरियस फ्लैट है और इसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट तरीके का काम किया हुआ है। 135 गज के अंदर बड़ा हुआ है और इसकी जो फ्रंट गली है वो कम से कम 40 फीट की है। अभी हम ड्राइंग रूम में एंटर कर रहे हैं। ये नीचे जो आप फ्लोरिंग देख रहे हैं, ये पत्थर ख़राब ना हो जाए इसलिए इसको टेपिंग किया हुआ है और यहीं से मैं भी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन दिखाऊंगा जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। फ्लैट के अंदर मैं एंटर कर चुका हूँ। एंटर करते ही मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने एक अच्छा फ्लैट बनाया हुआ है। डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी है। सबसे पहले तो गेट देख सकते हैं, सामने का टीवी पैनल, ऊपर फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देख सकते हैं आप। इस फ्लैट को डीपली दिखाऊंगा मैं आपको कि आपको समझ में आएगा कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में काम किया हुआ है। जिस क्वालिटी का काम है उसी तरीके से इसका काफ़ी कम प्राइस भी है। प्राइस ज़्यादा नहीं है क्योंकि साइज़ जो फ्लैट का है वो 135 गज का है। ऊपर देख सकते हैं आप झूमर लगाए हुए हैं और पंखे भी देख सकते हैं, आपकी अच्छी क्वालिटी के पंखे भी लगाए हुए हैं। जिस तरीके से पैसे कम हैं उसी तरीके से प्राइस काफ़ी कम है इसका। इसके अंदर ड्राइंग रूम मैंने यहाँ से दिखा दिया है, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अब ड्राइंग रूम यहाँ से भी देख लीजिए आप। सबसे पहले मैं ड्राइंग रूम के साथ में ही किचन दिखा रहा हूँ जो कि यू शेप में किचन बनी हुई है और विंडो बालकनी की तरफ ओपन होती है। वेंटिलेशन प्रॉपर है, वैनिटी दी हुई है, ये सारा कवर किया हुआ है, टेपिंग की हुई है ताकि ख़राब ना हो जाए क्योंकि काफ़ी अच्छा वर्क किया हुआ है इन्होंने। यहाँ से ये किचन में ही दे हुए आपको फ्रिज रखने का स्पेस ये मिल जाएगा। अब मैं आपको बेडरूम दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको फर्स्ट बेडरूम के अंदर लेके चल रहा हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड में साफ्ट है। बेडरूम के अंदर एक टीवी पैनल मिलता है आपको, एक साफ्ट मिलती है। साफ्ट इसके अंदर दो दो साफ्ट है। फ्लोरिंग वुडन फ्लोरिंग है। टीवी पैनल आप देख सकते हैं, एक अलमीरा भी दे रहे हैं ये। ये सामने टीवी पैनल और साथ में काफ़ी स्पेशियस और अच्छी डिज़ाइन में ये अलमीरा तैयार करके दे रहे हैं। बेडरूम में ये फर्स्ट बेडरूम है, दो साफ थी इसके अंदर। इसी के साथ में ये साफ। अब मैं कॉमन वॉशरूम की तरफ लेके चल रहा हूँ आपको। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। वॉशरूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है, वेंटिलेशन प्रॉपर है। यहीं के साथ में ही इसका फ्रंट साइड पे दो बेडरूम है। विंडो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लगी हुई है और इसी के साथ में एक आपको अलमीरा भी मिलती है। बालकनी का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, स्क्वायर में फ्लैट बना हुआ है। डोर जो ओपन होता है वो बालकनी की तरफ ही होता है। ये साथ में ये अलमीरा। बालकनी की बात करूँ तो बालकनी दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से ओपन होती है बालकनी और इस फ्लैट तक जाती है, बेडरूम तक। यहीं से मैं आपको थर्ड बेडरूम के अंदर लेके चल रहा हूँ। थर्ड बेडरूम के अंदर विंडो लगी हुई है, सामने एक टीवी पैनल है। टीवी पैनल सभी रूम के अंदर दे दिया इन्होंने और अलमीरा तो सभी बेडरूम के अंदर है। यहाँ से बालकनी का स्पेस भी चला जाता है। बालकनी काफ़ी बड़ी है जैसे कि ये देख सकते हैं आप। और इसके अंदर भी आपको अलमीरा दी हुई है। अच्छा स्पेशियस फ्लैट है, आप इसका प्लान कर सकते हैं। प्राइस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।